हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है ये होने जा रही है एक एक्सपेरिमेंट के ऊपर। एक्सपेरिमेंट बोलूं या फिर क्या बोलूं फ्रेंड्स, ये जो हमारा माइक आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, आज की वीडियो इसी के ऊपर होने जा रही है, पूरी की पूरी वीडियो। तो फ्रेंड्स, अब आप सोचेंगे कि इसके ऊपर कैसी वीडियो होने जा रही है। तो फ्रेंड्स रुकिए जरा, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे होने जा रही है। तो देखिए, ये जो हमारा माइक है ये हमारी वॉइस क्वालिटी को इम्प्रूव करके इस वीडियो में ऐड करता है, ताकि वीडियो के अंदर वॉइस अच्छी आए। तो अब जो है फ्रेंड्स, हम इसके साथ आज कुछ प्रैक्टिकल्स करके देखेंगे और देखेंगे कि हमें क्या नई चीज़ देखने को मिलती है या क्या हमें नई चीज़ सुनने को मिलती है इस माइक के साथ, यदि हम चलते हुए माइक के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो। तो चलिए फ्रेंड्स, इंतज़ार किस चीज़ का, वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो पहला प्रैक्टिकल यही है कि ये देखिए, माइक को देख दिए आप लोगों को कुछ ये दिखाई देता होगा कि सिर्फ माइक इतना ही है, ये तो सिर्फ एक कपड़ा है ताकि साउंड के अंदर इको कम हो सके। तो फ्रेंड्स, अब जो है हम इसको रखते हैं साइड में, और अब आप लोगों को कैसी आवाज़ सुनाई दे रही है वो मुझे नहीं पता, और अब हम इसको लगाते हैं और फिर देखते हैं कि आप लोगों को कैसी आवाज़ सुनाई दे रही है। तो ये जो है हमने इसको लगा दिया, अब कैसी आवाज़ सुनाई दे रही है, कोई फ़र्क देखने को मिल रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अब जो है इसको लगा देते हैं, एक प्रैक्टिकल मैंने आप लोगों को करके दिखा दे। अब जो है फ्रेंड्स, अब आएगा मज़ा। ये देखिए, हम जो है इस माइक के मास्टर के साथ कुछ प्रैक्टिकल करके देखते हैं और देखेंगे कि क्या आवाज़ में कोई डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है हमारा इसका मास्टर है जो कि बोयो कंपनी का है। तो इसके अंदर जो है बटन दिया गया है फ्रेंड्स, ये देखिए, यहाँ पे ऊपर अगर बटन है वो है कैमरे का और नीचे है स्मार्टफोन का। फिलहाल ये जो बटन है स्मार्टफोन में चल रहा है, यदि हमें कैमरे में माइक लगाना होगा तब हम जो है कैमरे की तरफ इस बटन को ऑन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब जो है हम देखेंगे कि क्या फोन में लगा हुआ माइक अगर हम इसको कैमरे के बटन में ऑन करते हैं तो क्या हमें वो इसके अंदर डिफरेंस देखने को मिलता है। तो चलिए, अब जो है हम इसको कैमरे की तरफ ऑन, तो गाइज अब जो है मैंने इसको स्मार्टफोन में ऑन कर दिया, इससे पहले मैंने कैमरे में ऑन कर दिया था। फिर से आप सभी लोगों के लिए कैमरे के अंदर, जो है मैंने फिर से इसको स्मार्टफोन में ऑन कर दिया। देखिए फ्रेंड्स, आप जो है बटन को क्लियरली देख सकते हैं। आपको कैसी आवाज सुनाई दी है मुझे बिल्कुल भी उसका अंदाजा नहीं है फ्रेंड्स। तो अब जो है हम देखते हैं इसके सेल को चलते हुए माइक में से निकाल के। तो देखिए गाइस, ये जो हमारा सेल है माइक के अंदर डला हुआ है, और अब जो है हम कोशिश करेंगे इसको बाहर निकालने की चलते हुए माइक में, और फिर देखेंगे क्या हमारा माइक जो है बंद हो जाएगा या फिर आप लोगों को कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास आ चुका है देसी जुगाड़, और अब इसकी मदद से हम जो है इसके सेल को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये देखिए गाइज, मैंने जो है इसके सेल को सक्सेसफुली बाहर निकाल लिया है, आप देख सकते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं इसका सेल जो है मेरे हाथों में है। और फ्रेंड्स, ये जो है अब कैसी आवाज़ आप लोगों को सुना रहा है वो मुझे बिल्कुल भी उसका अंदाज़ा नहीं है। यदि आपको सुनाई दी है कुछ अलग डिफरेंस आपको देखने को मिला है, कोई चेंज देखने को मिला है, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे जो है बताना ज़रूर। तो अब जो है इसके अंदर फिर से सेल डालते हैं और देखते हैं कि क्या इसके अंदर ये माइक स्टार्ट हो जाता है। तो गाइज ये देखिए, मैंने जैसे इस सेल को पहले डाला हुआ था वैसे इसको फिर से यहां पे डाल दिया है, और अब देखते हैं इसको बंद करके कि हमारी आवाज कैसी आ रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आते हैं हमारे एक्सपेरिमेंट नंबर 4 के ऊपर, और उसके अंदर हम देखेंगे इस माइक को हमारे हार्ट के ऊपर लगा के कि क्या हमारे हार्ट की हार्ट बीट रिकॉर्ड हो सकती है इस माइक के थ्रू। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। सो फ्रेंड्स, अब जो है मैं इस माइक को अपने हार्ट के ऊपर लगाता हूं, और ये जो इसके ऊपर लगा हुआ ना कपड़े जैसे, इसको निकालते हैं बाहर में और इसको डाल लेते हैं जेब के अंदर, और अब जो है हम इसको लगाते हैं हार्ट के ऊपर और देखते हैं कि क्या हमारी वॉइस हार्ट की रिकॉर्ड होती है नहीं होती है।
तो गाइज आप लोगों को कैसी आवाज़ सुनाई दी, मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ तो रिकॉर्ड हुआ होगा। यदि नहीं हुआ तो हमारे पास प्रैक्टिकल एक और है, उसके अंदर देख लेते हैं कि क्या हमें कुछ नया सुनाई देने को मिलता है। तो देखिए गाइज, अब जो है इसको मैं लगाता हूँ अपने गले पे और जो है मैं प्रोड्यूस करूँगा अपने गले से एक साउंड और फिर देखते हैं कि क्या वो इसके अंदर रिकॉर्ड हो पाती है। तो फ्रेंड्स ये कोई डीजे नहीं था, ये थी आपके छोटे भाई के गले की साउंड। तो इससे जो है मैंने इसके अंदर रिकॉर्ड करने की कोशिश की है, कैसी रिकॉर्ड हुई है आप लोगों को ही पता है। तो अब जो है फ्रेंड्स हम जो है इस माइक को अपने मुंह के अंदर डाल लेते हैं और फिर मैं कोशिश करूंगा बोलने की और फिर देखते हैं कि क्या इसके अंदर आवाज कोई रिकॉर्ड हो पाती है। तो चलिए गाइज, इसको जो है मुंह के अंदर डालने के बाद हमारी जो जीव है वो नहीं हिल पाती है और उससे जो है आवाज भी प्रोड्यूस नहीं हो पाती है। लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मैंने थोड़े बहुत कोशिश की है बोलने की, वो जो है इसके अंदर रिकॉर्ड हुई है। तो चलिए अब जो है एक लास्ट प्रैक्टिकल इस माइक के साथ मैं करने जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स फिर से इसके ऊपर ये जो है लगा देते हैं और इसको नॉर्मली फिर से यहां पे अटैच कर लेते हैं। तो गाइज ये देखिए मेरे पास आ चुका है ये पानी का गिलास। अब जो है फ्रेंड्स मैं जो है पानी पीऊंगा और रिकॉर्ड करके देखते हैं कि क्या वो जब हम पानी पीते हैं तो गटक गटक की आवाज जो आती है क्या वो इसके अंदर रिकॉर्ड हो पाएगी। तो चलिए पीते हैं हमारे पानी को। मजा ही आ गया फ्रेंड्स पानी पीकर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसके अंदर आवाज आई होगी बिल्कुल, क्योंकि यार ये तो माइक है ना। तो चलिए अब मैं भी देखना चाहता हूं कि कैसी आवाजें जो है इस फोन के अंदर रिकॉर्ड हुई हैं। कैमरे को करते हैं बंद उसके लिए और आप लोगों को भी जो है अब अलविदा बोलने का समय आ चुका है। फ्रेंड्स मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। यदि मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो है इस वीडियो के अंदर कुछ नया सुनने को मिला होगा, कुछ नया जानने को, नया देखने को मिला होगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।